सतसे तोहरा के बनाऊं ले बाड़े। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप सभी का खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये गाने गुनगुनाते हुए कैसे आप सभी लोगों के बीच हाजिर हूँ, तो दरअसल मैं क्या करूँ, आज कुछ गाना ही ऐसा रिलीज हुआ है। जी हाँ, आज कल जहाँ पर हमारे भोजपुरी स्टार पवन सिंह की फिल्म मात उसे सलाम रिलीज हुई थी, तो आज उस फिल्म का ये गाना रिलीज हुआ है। साथ ही पवन सिंह लाइव आकर एक वीडियो जो शेयर किए हैं, तो चलिए आज की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और इस खूबसूरत गाने के साथ पवन सिंह ने और भी अपनी फिल्म से जुड़ी क्या खास बातें कही हैं, क्या जानकारियां दी हैं, और अपने किस अंदाज से उन्होंने अपने दर्शकों को अपनी फिल्म को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया है, और वो वीडियो पवन सिंह का इन दिनों सोशल मीडिया पर किस तरह वायरल हो रहा है, ये सारी खबर सारी जानकारी हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोगों का इंतजार करते हैं खत्म और दिखाते हैं आपको हमारे ट्रेंडिंग भोजपुरी में सबसे पहले बड़ी खबर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह की फिल्म मात तुझे सलाम कल रिलीज हुई, जो फिल्म की देख देशभक्ति पर आधारित फिल्म है। और इस फिल्म में पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ मधु शर्मा लीड रोल में नजर आ रही हैं। और कल फिल्म रिलीज होने के बाद आज पवन सिंह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस वीडियो में पवन सिंह ने अपने सभी दर्शकों को इस फिल्म को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, और दर्शकों की तरफ से उस फिल्म को इतना प्यार मिला है। और साथ ही पवन सिंह ने अपनी इस फिल्म के सभी कलाकारों की तारीफ करते हुए उन्होंने अक्षरा सिंह और फिल्म के डायरेक्टर असलम शेख की जमकर तारीफ की। जी हां, साथ ही पवन सिंह ने कहा कि ऐसे ही बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज पार करें और साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई भी करें हमारी ये फिल्में। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह ने अपनी इस फिल्म के जरिए अपने देश के सैनिकों को इस फिल्म के जरिए उनकी तारीफ करते हुए और अपनी इस फिल्म का सबसे बड़ा योगदान अपने सैनिकों को दिया है। तो देखा आपने दोस्तों कि आखिरकार हमारे पवन सिंह की फिल्म मां तुझे सलाम तो सुपर डुपर हिट हुई है, लेकिन इसके अलावा पवन सिंह को लेकर, इस फिल्म को लेकर उनके अंदर काफ़ी सारी बातें छुपी हुई थी, या यू कह लो उन्होंने छुपा रखी थी, जो कि फाइनली फिल्म रिलीज होने के बाद भी उनकी दिल की बातें सामने आई है। खैर दोस्तों, अगली खबर की ओर रुख कर देते हैं। अगली खबर में हम बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। देखा जाए तो इस समय पर खेसारी लाल यादव का जो कह सकते हैं उनका शायद ग्रह गोचर सही नहीं चल रहे, ऐसा कह सकते हैं हम अपनी ठेठ भोजपुरी भाषा में। काहे कि जब से खेसारी लाल यादव विवादों में आना शुरू हुए, तब से लगातार उनके ऊपर विवादों के बार होते जा रहे हैं, जिसमें अब एक और नया विवाद उनके प्रति, विवाद नहीं कह सकते हैं चर्चा का विषय सामने आ गया है, जिसमें उनकी फिल्म दुल्हन गंगा पार के जो निर्देशक थे यानी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जो कि आनंद जी हैं, जी हाँ, उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर ऐसा लग रहा है उनके बयान सुनकर कि उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जो उन प्रोड्यूसर हैं आनंद जी, उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर क्या बातें कही हैं और साथ में क्यों की कही हैं, खेसारी लाल यादव को लेकर इस तरीके का जिक्र उन्होंने क्यों किया है। देखिए हमारी ये खबर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। साल 2018 में रिलीज हुई खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन गंगा पार के ने तो बॉक्स ऑफिस पर तो इतिहास रचा ही है, लेकिन अब फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों की तरफ से इस फिल्म के प्रोड्यूसर अरविंद आनंद एक बार फिर से अपना बयान सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, अरविंद आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव पैसों का भूखा इंसान है। जी हाँ, आनंद ने कहा कि आज भी खेसारी मेरा भाई है, लेकिन व्यवसायिक तौर पे खेसारी ने मुझे दुख दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं इंसानियत के साथ हूँ, लेकिन खेसारी ने इंसानियत को कम और पैसों को ज्यादा अहमियत दी है। पहले देखा जाए तो इस समय पर खेसारी लाल यादव से जुड़े कई ऐसे विवाद हैं जो कि दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, और आज एक बार फिर से खेसारी से जुड़ा ये नया मामला सामने आ चुका है, जिसमें खेसारी के खिलाफ एक और व्यक्ति का बयान सामने आया, लेकिन सच्चाई समय आने पर खुद ब खुद हर किसी के सामने आ जाएगी।
तो देखा आपने दोस्तों कि आखिरकार एक ऐसे प्रोड्यूसर जो कि खेसारी लाल यादव को अपना छोटा भाई मानते थे, तो वहीं खेसारी लाल यादव ने भी उन्हें बड़े भाई का दर्जा दे रखा था, लेकिन अचानक इन दोनों भाइयों के बीच में फूट आ गई है और इसकी वजह भी हमने आपको बता दी है। फिलहाल अगली खबर की ओर रुख कर देते हैं जो कि खेसारी लाल यादव के विवादों के साथ जुड़ा हुआ है। कल खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कई ऐसी बातों का जिक्र किया जो हर किसी को हैरान किया। उसी बीच खेसारी लाल यादव ऐसा लग रहा था वो अपना बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुके हैं और थक चुके हैं इस तरीके से विवादों को झेलते हुए, सभी लोगों को जवाब देते हुए, सवाल करते हुए ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं खेसारी लाल यादव। लेकिन उन्होंने इन सभी चीजों के बीच में अपनी धमकी, अपने ऊपर दिए गए बयानों के ऊपर या अपने ऊपर हुए विवादों को लेकर खुलकर बोलते नजर आए, जो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ कोई नया विवादों का उजागर होने वाला अखाड़ा बन चुका है। और खासकर आजकल होने वाले विवादों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिस कलाकार का नाम आ रहा है वो खेसारी लाल यादव है, जिन्होंने कल के एक इंटरव्यू में भी अपने सारे विवादों पर घिरा हुआ नजर आए और अब तो उन्हें धमकियां भी मिलने लगी है। सुनिए जरा। कुछ मीडिया को बुलाकर और मेरे पीछे षड्यंत्र करके और आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो प्लीज आप सब इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए। मेरा पोस्टर लगा देते हैं, गंदा गाना गा देते हैं, उसमें भी मुझे दोषी ठहरा देते हैं कि खेसारी ने गलत किया है। मैं किसको किसको मना करने जाऊंगा बताइए, मैं किसको किसको, जो जो गाते हैं उनको तो जानता तक नहीं मैं अपना काम करूं कि अब डेली में लगा रहा हूं यूट्यूब पे और फेसबुक पे कि हाँ कौन क्या कर रहा है, तो मुझे काम भी तो करना है। क्या रहा इसका मतलब, आपके पीछे लोग जो पड़े हुए हैं हाथ धो के कुछ गाने, ये बताइए कि मोदी जी के पीछे कितने लोग पड़े हैं? सारी नहीं, सारे। देखिए होता क्या है कि जब आप आगे होते हैं ना, तो देखा आपने दोस्तों कि आखिरकार खेसारी लाल यादव की जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी कल भड़ास निकाली इंटरव्यू के दौरान, वो वाकई में कहीं ना कहीं सही बातों को साबित भी करता है। लेकिन बात विवाद आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए इनको किस तरीके से साइड किया जाए ये किसी के दिल में नहीं आ रहा। खैर दोस्तों अगली खबर की ओर रुख कर देते हैं। अब स्टार के ऊपर धमकी उन्हें मिल रही है, स्टार को परेशान किया जा रहा है, स्टार को लेकर बातें बनाई जा रही हैं, ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन इन्हीं स्टार्स के नाम को इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे फैंस भी हैं, बहुत से ऐसे दर्शक भी हैं जो कि फेमस होना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला है खेसारी लाल यादव के विवादों पर भी। जी हाँ, जब खेसारी लाल यादव को उनके दिए गए उनके बातों के ऊपर विवादों को लेकर उन्हें धमकी दी गई थी गोली मारने की, लेकिन अचानक से अब खेसारी लाल यादव के एक ऐसे भी फैन आ गए हैं जिस लड़की ने धमकी दी थी उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद ये विवाद और तूल पकड़ चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो कौन सा फैन है जो खेसारी लाल यादव के साथ तो है, लेकिन साथ किस वजह से, कहीं फेमस होने के लिए तो नहीं है। जी ये सारी बातें, ये स्टार से जुड़ी सारी जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको दिखा रहे हैं हम अपनी इस रिपोर्ट में। देखिए हमारी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव को कुछ समय पहले सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिली थी, जिस वीडियो में एक शख्स ने कहा कि वो खेसारी लाल यादव की जिंदगी को खत्म कर देगा अगर जो वो आरा गए तो। वहीं इसी मामले में और भी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खेसारी को धमकी दी थी उस शख्स को सबक सिखाने के लिए आज सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में वो व्यक्ति खुद को खेसारी का फैन बता रहा है और खेसारी को धमकी देने वाले व्यक्ति को कह रहा है कि अगर खेसारी को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। पर सभी बातों को मिलाकर देखा जाए तो ये बात साफ पता चलती है कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा है वो बिना बातों को बढ़ाया जा रहा है। और खबरों की माने तो कहा ऐसा भी जा रहा है कि खेसारी का नाम पर कुछ लोग फेमस होने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम इससे क्या कहें, क्या वाकई में लोग फेमस होने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं या फिर फैंस की दीवानगी है जो खेसारी के प्रति साफ झलक रही है। तो देखा आपने
दोस्तों ये थी आज की भोजपुरी की वो तमाम खबरें, तमाम जानकारियां जो आपके स्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी थी। और हमने कोशिश की कि जो पूरे दिन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही, जिन खबरों को, जिन खबरें, जो खबरें पूरे दिन चर्चाओं में बने रहे, दर्शक भी उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन सारी खबरों को विस्तार पूर्वक हम आपको इस रिपोर्ट में बता दें। और इस प्रोग्राम में हमने इसीलिए आपके लिए वो तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल लाइक साई न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आप सभी तक पहुंच सके और कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम पे यहीं विराम लगाते हुए मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत, लेकिन कल एक बार फिर से नई खबरें, नई जानकारियां, नए अंदाज के साथ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।